नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डीजे अब ट्यूटोरियल में। आज आपको आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक डिफरेंट टॉपिक, यानी कि बॉयकॉट चाइना ऐप के लिए जो ट्रेंडिंग अभी तो चल रहा है। यानी कि आप सभी लोगों को तो पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो जो झगड़ा उन लोगों के बीच चल रहा है, तो उसका जो नतीजा है उन हम लोगों के बीच में भी आ चुका है। यानी कि यहाँ पर टिकटॉक को लेके बहुत ही वायरल टॉपिक्स में हम आज आप लोग भी देख सकते हैं। मगर आज ये जो ऐप निकल के आया है, ये ऐप है रिमूव चाइना ऐप्स। यानी कि ये ऐप आपके सिस्टम को स्कैन करता है, वन क्लिक में अभी सभी चाइना ऐप को आपके फ़ोन में डिलीट कर सकता है। तो कैसे इस ऐप को इस्तेमाल करना है, कैसे इसे डाउनलोड करना है और कैसे ये वर्क करता है आप लोग को दिखा देता हूँ। मगर इन सब के पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं आपको ये ऐप पहले तो दिखा देता हूँ। ये ऐप नाम क्या आता है, रिमूव चाइना ऐप। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव चाइना ऐप्स यहाँ पर दिखा रहा है। इस ऐप का ही नाम है रिमूव चाइना ऐप। तो पहले तो ये प्ले स्टोर में अवेलेबल था, मैं आपको प्ले स्टोर खोल कर आपको दिखा देता हूँ। पहले दोस्तों आप ये जब भी यहाँ पर लिखेंगे रिमूव चाइना ऐप, ये एप्लीकेशन अभी तो नहीं है, यानी कि ये प्ले स्टोर के रूल्स और रेगुलेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए प्ले स्टोर ने इस ऐप को हटा दिया है। और इसका डाउनलोड में लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाइए इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों सिंपली कुछ नहीं करना, मैं पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा हूँ, आप भी डाउनलोड कीजिए। और सिंपली ऐप को मैंने ओपन कर लिया है और ये देखिए सिंपली आपको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिस्टम को पूरा स्कैन कर चुका है और यहाँ पर देखिए दो चाइना ऐप मेरे फ़ोन में निकल के आ चुके हैं, जो कि है टर्बो वीपीएन और जेंडर। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं टर्बो वीपीएन को इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अनइंस्टॉल टर्बो वीपीएन मैंने यहाँ पर दिखा दे चुका है और जेंडर को मैं अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। तो बहुत सारे ऐप्स है, यानी कि मैं ये देखिए दोस्तों, यार ऑसम नो चाइना ऐप फाउंड इन योर सिस्टम, यानी कि मेरे फ़ोन में अभी कोई चाइना ऐप नहीं है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जेंडर हम सभी तो यूज़ करते हैं, मेरी एक चाइना ऐप है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। हमारे देश में बनी एक ऐप है, यानी कि जियो शेयर नाम में। ये देखिए दोस्तों, इस ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र के लिए ये देखिए जियो स्विच सिक्योर फाइल ट्रांसफर शेयर, यानी कि नो एड्स, इसमें कोई एड्स नहीं है कि जेंडर की तरह। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐप को इस्तेमाल कीजिए और सभी चाइना ऐप को फ़ोन में से हटा दीजिए। वीडियो को अगर अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।